सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन गेम और टेक न्यूज के बारे में हिंदी में जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में हमारी जो डिमांड है वो भी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। और ऐसे में अगर आपसे कोई बोल दे नया स्मार्टफोन लेने के बारे में, चाहे वो आपके दादा हो, दादी, नाना नानी, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची या फिर आपका छोटा भाई, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल सकते हैं 5,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए के बीच में, और वो भी 4G इनेबिलिटी के साथ, बाद में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और अच्छी बैटरी लाइफ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्मार्टफोन्स बता रहा हूं वो सारे 4G इनेबल्ड है, मतलब कि आप उसमें जियो की सिम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग की ओर से सैमसंग होरिजोन 2, इसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, बाद में 16GB की इंटरनल स्टोरेज और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 2500mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। और आपका जो बैक कैमरा मिलता है, यहाँ पे जो बैक कैमरा है वो 8MP का और फ्रंट कैमरा जो है वो इसमें 5MP का, और इसमें आपको जो है वो IR ब्लास्टर मिल जाता है, मतलब कि आप अपने घर के जो होम अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि टीवी है, एसी है, बाद में जो भी रिमोट से ऑपरेट होते हैं आप इस फोन के द्वारा इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस फोन की जो है वो सबसे अच्छी बात है। और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 5,300 रुपए, और ये जो फोन है वो आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये फोन जो है वो आपके दादा दादी या फिर नाना नानी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहा हूँ सभी की चेक करने की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो आप वहां पे जाके भी उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगला स्मार्टफोन है वो इंटेक्स की ओर से इंटेक्स एक्वा सुप्रीम प्लस, इसमें भी आपको मिलती है 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ मिलती है वो मिलती है आपको 3000mAh की बैटरी मिल जाती है। और इसमें आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो मिलता है आपको 13MP का और फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 5MP का, और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 5,800 रुपए। तो दोस्तों, ये फोन भी थोड़ा बहुत बजट रेंज के अंदर थोड़ा अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला स्मार्टफोन है वो इवोमी की ओर से इवोमी मी 5, इसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, बाद में 16GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 3000mAh की बैटरी, और इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो मिलता है 8MP का बैक कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा। इसकी जो प्राइस है वो है सिर्फ 4,300 रुपए। लेकिन दोस्तों, जो स्मार्टफोन है वो आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिलेगा, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो आप वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे 4,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में स्मार्टफोन्स, क्योंकि ये जो फोन है इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़े ओके थे, क्योंकि ये आपके काम में आ सकते हैं दादा दादी के लिए। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 6,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए के बीच में स्मार्टफोन्स, क्योंकि ये फोन जो है वो इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही हाई है और ये काम में आ सकते हैं आपके मम्मी पापा या फिर आपके छोटे भाई के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला फोन है वो है मोटोरोला की ओर से मोटो सी प्लस, इसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, बाद में इसमें आपको जो इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो मिलती है 16GB की, और इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 5 इंच की, आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, HD डिस्प्ले मिलती है, और इसमें आपको जो बैटरी लाइफ मिलती है वो मिलती है आपको 4000mAh की, आपको इसमें बैटरी लाइफ मिल जाती है, और इसमें आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो मिलता है 8MP का और फ्रंट पे कैमरा जो मिलता है आपको 5MP का। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों साइड जो है आपको फ्लैश मिल जाती है, मतलब कि आपको बैक साइड में भी फ्लैश मिलेगी और आपको इसमें फ्रंट साइड में भी फ्लैश मिलेगी। तो दोस्तों, इस फोन की ये सबसे अच्छी बात है। और इसकी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ये फोन आपको मिलता है 7,000 रुपए के बीच में, मतलब कि 7,000 रुपए में आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी और दोनों साइड जो है आपको फ्लैश मिल जाएगी। लेकिन ये जो फोन है वो आप सिर्फ फ्लिपकार्ट की साइड से ही जो है वो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला स्मार्टफोन है वो MI की ओर से MI का Redmi 4A, इसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 3300mAh की बैटरी, और आपको इसमें मिलती है 5 इंच की HD डिस्प्ले। लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही हाई मिलता है, मतलब कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर, और इसकी जो प्राइस है वो 6,000 रुपए के बीच में, और ये फोन आप खरीद सकते हैं अमेजोन की साइट पे से और MI.com की साइट से। तो ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही बढ़िया फोन है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगेन स्मार्टफोन है वो MI की ओर से MI का MI Redmi 4। ये दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने पहले स्मार्टफोन आपको दिखाया था वो था Redmi 4A, और ये वाला जो स्मार्टफोन है वो Redmi 4, इसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन आपको यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर विद फिंगरप्रिंट सेंसर विद IR ब्लास्टर। IR ब्लास्टर मतलब कि आप इसे जो आपके घर के जो भी अप्लायंसेज आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं आप इस फोन के द्वारा उसे कंट्रोल कर सकते हैं विद आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 7,000 रुपए, मतलब की 7,000 रुपए में आपको मिलती है 4,200mAh की बैटरी, बाद में फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर और जो कैमरा, तो बहुत ही
इस प्राइस के अंदर जो है वो बढ़िया मिल जाते हैं दोस्तों। तो यही थे कुछ स्मार्टफोन्स 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के बीच में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से मैं आपको बता दूं कि सभी स्मार्टफोन चेक करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां पर भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं दीप आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सेम प्लेस सेम चैनल टेक टीम। थैंक यू। जय हिंद।